By 1791, फ्रांस बन जाता है राजा और लोगों की 50-50 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब असली शक्ति है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पास। ध्यान से देखना, एक्टिव सिटीजन 4 मिलियन टैक्स पेइंग मर्द 25 साल से ऊपर, ये चुनते हैं जज को जो बन जाता है जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर। इसके साथ साथ ये वोट करते हैं इलेक्टोर्स के लिए जो चुनता है नेशनल असेंबली, ये बन जाता है लेजिस्लेचर, एक किस्म से कानून के माँ बाप। किंग और उनके मिनिस्टर बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव। एक्टिव सिटीजन के दूसरे और आते हैं पैसिव सिटीजन। इनमें हैं वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ बिलो 25 और 3 मिलियन मैन। आजू बाजू के राजाओं को डर था कि उनके भी देश में वो ना हो जाए जो फ्रांस में हो रहा था। जब पता चला कि किंग लुई प्रशिया के राजा से मदद मांग रहे हैं, नेशनल असेंबली को चढ़ा गुस्सा, जंग ऐलान कर दिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया पर भी। उनके हिसाब से ये थी जंग राजाओं और आम लोगों के बीच। गरीबों को अब एक नया लीडर मिल गया था, उनका नाम था मैक्स मिलियन रॉब्सपियर। इन्होंने एक पॉलिटिकल क्लब चालू किया जिसका नाम था याकोबिन्स। उनको देखते ही पता चल जाता था, स्ट्राइप ट्राउजर्स, लाल टोपी, कि भाई ये लोग तो सैंस्कुलॉट्स हैं। सैंस्कुलॉट्स मतलब विदाउट नी ब्रीचेस, जो राजा महाराजा लोग पहनते करते थे। अब फ्रांस बन जाता है रिपब्लिक। लोगों को राजा पर इतना गुस्सा आता है कि वो उनकी सारी शक्ति निकाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं और आखिरकार मार ही देते हैं। पहले 25 साल के लोग वोट कर सकते थे, अब 21 में भी अलाउड था राजा को जो मारना था। अब चालू होता है रेन ऑफ टेरर 1793 to 94। हम कह सकते हैं कि ये सचिन की नर्वस 90s जैसा था। जो भी मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के खिलाफ बोलता उसका सर गिलिटीन द्वारा काट दिया जाता, वो भी सबके सामने। उसने वेजेस और प्राइसेस को फिक्स कर दिया। खाना पीना अब रेशन पर था, सब के लिए एक ही किस्म की रोटी, नो बटर नान, नो गार्लिक नान, सिर्फ बराबरी। इस साहस में लोग एक दूसरे को सिटीजन्स कहने लग गए। चर्चेस को ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया, पर मैक्सी ने लोगों का हाल इतना बुरा कर दिया कि तंग आकर उन्हें भी जुलाई 1794 में गिलिटीन द्वारा मार दिया गया। लोग डर गए कि एक और मैक्सी ऊपर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और एक डायरेक्टरी भी ऐड कर दी। अब 5 रूलिंग बॉडीज, इतना सारा कॉम्प्लिकेशन, खिचड़ी तो मचनी थी। वापस से एक ही बंदे के हाथ में सारी शक्ति आ जाती है। ये थे मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, वुमेन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। औरतों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था रेवोल्यूशन में, पर उन पर पैसिव सिटीजंस का धब्बा लग गया। उनको कम पैसा मिलता था, वो चाहते थे कि ये नई सरकार उनकी लाइफ इंप्रूव करे बढ़िया एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग देकर। इसलिए सरकार ने लड़कियों की स्कूलिंग कंपलसरी कर दी, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, अब डाइवोर्स भी लीगल था, और तो और जॉब ट्रेनिंग भी दी गई। अब औरतें आर्टिस्ट बन सकती थी, छोटे छोटे बिजनेस चला सकती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 60 वुमेन क्लब्स में से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे फेमस थी। वो चाहते थे कि उनको भी वोटिंग राइट्स मिली जाए, वो भी असेंबली में इलेक्ट हों और सरकारी ऑफिसर्स उनको भी दिए जाए। पर गवर्नमेंट ने इनकी मांगों पर पानी फेर दिया, क्लोजिंग ऑर्डर देकर खास खास औरतों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से एक थी मशहूर ओलंप दी गूज, जिन्होंने याकोबिन गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी जान तक दे दी। औरतों की ये जंग 200 साल तक चलती रही, जब 1946 इंडियन इंडिपेंडेंस के एक साल पहले उन्हें वोटिंग राइट्स दी गई। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी एक बहुत बड़ा बिजनेस था 17th सेंचुरी में। अफ्रीकन स्लेव्स की जरूरत पड़ती थी कॉफी, इंडिगो, शुगर और टबैको बनाने के लिए, इसलिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच। दिक्कत यह थी कि स्लेवरी रद्द कर दो तो पैसे वाले बिजनेसमैन फ्रेंच रेवोल्यूशन को देंगे ना कोई पैसा, पर स्लेवरी रद्द कर दो तो अफ्रीका और अमेरिका तक पहुंच जाएगी रेवोल्यूशन। इसलिए 1974 की फ्रेंच सरकार, जिसका नाम था कन्वेंशन, उन्होंने स्लेवरी रद्द कर दी, मगर सिर्फ 10 साल के लिए। रेवोल्यूशन का प्रभाव आम जिंदगी पर। सबसे बड़ी बात,
आप अपनी आवाज सरकार के खिलाफ उठा सकते थे। इसके पहले डर और सेंसरशिप ने सब कुछ रोका हुआ था, अब ये लोगों का कानूनी हक था। अखबार की वजह से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स अभी गौर से देखे जा सकते, और तो और ऊंची ऊंची सोच सिर्फ गिने चुने लोगों के बीच नहीं, सबके हाथ में थी। नेपोलियन के साथ कंक्लूजन। 1804 नेपोलियन फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं। वो अपने आप को एक मॉडर्नाइजर की तरह समझते थे। लोगों को लगा कि ये बंदा तो लिबरेटर है, मगर जल्द पता चल गया कि ये जनाब आजू बाजू की कंट्रीज को हड़पने में माहिर। इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, वजन और नापतोल को एक समान किया डेसिमल सिस्टम के साथ, और भले ही 1815 के युद्ध में हार गए, इनका इंपैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री पर रहा जबरदस्त। इंडिया की इंडिपेंडेंस भी इस चैप्टर के साथ जुड़ी है। हमारे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ने ली प्रेरणा फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसके साथ हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज क्लिक कीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के रैम स्लैम वर्जन पर, वो आपको सारे कॉम्प्लिकेटेड नेम्स, नंबर्स, स्पेलिंग्स, डेट्स, सब कुछ एक बहुत ही मजेदार तरीके में सिखाएंगे। आई होप सारी बातें जो आपने आज यहाँ सीखी आपके एग्जाम तक रहे और आपको अच्छे अच्छे नंबर्स मिले। इस वीडियो को बनाते बनाते बहुत टाइम जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे पेटीएम कोड पर 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 रुपया भी भेजेंगे तो हमारी काफ़ी अच्छी सपोर्ट होगी। सिर्फ डाउनलोड कीजिए पेटीएम, स्कैन और सेंड। दिखाइए ये अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को दिखाइए, फैमिली को दिखाइए और खास करके टीचर्स को दिखाइए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एड सिंह।